खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां राजेश सिंहदयाल फाउंडेशन द्वारा बाद डी इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया है। इसमें करीब पहले दिन ही 3,000 लोगों ने पंजीकरण कराकर और अपना उपचार कराया। पंजीकृत मरीज का इलाज लखनऊ से आए चिकित्सकों द्वारा किया गया। राजेश सिंहदयाल ने बताया कि इस तरह का कैंप हमेशा मैं लगाता रहता हूँ और मेरा एक ही सपना है कि मैं गरीबों की सेवा करूँ। और आज जो है 4-5 को 5D का कैंप था, आज पहला दिन है। लगभग 1800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी जी। इस रजिस्ट्रेशन में किस किस बीमारियों के डॉक्टर यहाँ पे हैं और क्या क्या इलाज है इसमें? बाल रोग, स्त्री रोग, नेत्र के डॉक्टर, फिजिशियन, चेस्ट के डॉक्टर, इसके साथ साथ जो है जितनी भी जांचें हैं, ब्लड की जाँच, ECG, PFT और दवा का वितरण, सब चीज हो रहा है। उद्देश्य क्या है कैंप लगाने का? मुख्य उद्देश्य है कि आपका बलिया और देवरिया ही स्वास्थ्य के दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह गया है। हमारे यहाँ 213 डॉक्टरों का पोस्ट है, जिसमें से 93 डॉक्टर बलिया में पोस्टेड हैं। इसका मतलब कि यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ा सा जर्जर है। तो इसकी वजह से कि लोगों को सही सुविधा, सही इलाज हो पाए, आज जो भी कोई अगर मरीज होता है उसको सीधे सीधे 5D से रिफर कर जाता है मऊ, और मऊ से रिफर कर जाता है बनारस। अगर जो है उसका पैसा है, बेच के अपना इलाज करा सकता है, खेत बेच के तो कराएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। तो इस वजह से ये कैंप लगाए जा रहे हैं कि सबको, गरीब आदमी को, जो हमारे बिल्कुल गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सही तरीके से मुहैया कराया। आज कितनी कह रहे हैं, ये आंकड़ा कह रहा है, बाकी आप पत्रकार है खुद पता कर ले। और सरकार अपना काम कर रही है निश्चित तौर पर, लेकिन हर आदमी का समाज के प्रति जिम्मेदारी है। अगर प्रभु ने हमको जन्म दिया है और इस काबिल बनाया है कि पढ़ लिख करके हम यहाँ तक पहुँचे और व्यापार की दृष्टि से यहाँ तक पहुँचे, तो समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आज का जो कैंप लगा इसमें चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, असल में होता क्या है कि बड़े डॉक्टर बहुत पढ़ाई लिखाई 35 साल तक पढ़ने के बाद गांव दूर दराज क्षेत्र में आके नौकरी नहीं करना चाहती, जिस वजह से सरकार भी परेशान है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े डॉक्टर नौकरी नहीं करना चाहते लेकिन आके समाज सेवा करना चाहते हैं, उसका हम लोग फायदा लेना चाहते हैं और उसी कमी को दूर करना चाहते हैं। डॉक्टर आके यहाँ पर समाज सेवा करें और हम लोग परमानेंट इस व्यवस्था को करना चाहते हैं। एक आरोग्य धाम करके हम लोग निर्माण बनाने के उसमें हैं, जमीन लगभग फाइनल हो गया है, तो उसके बाद डॉक्टर अपना समय समय पर आते रहेंगे, वहाँ रुकेंगे, वहीं पर गरीबों का इलाज करेंगे। सर, अस्पताल हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है, ये चंदन हॉस्पिटल से टाई अप हमारा है। चंदन हॉस्पिटल लखनऊ का प्रमुख हॉस्पिटल है। हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में और तमाम रियल एस्टेट के क्षेत्र में व्यापार जरूर है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है। ये हमारा उनसे टाई अप है कि जो आके समाज सेवा में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें 2 एम्बुलेंस भी क्षेत्र के लिए दिए हुए हैं, बाकी हमारा कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम संदेश यही देना चाहते हैं युवाओं को कि देखिए, दिवाली का त्यौहार है, हम सब बुराई को जो है सफाई करना चाहते हैं, अपने घर में सफाई करना चाहते हैं। तो एक बुराई हमारे सबके अंदर है कि जो जातिवाद की बुराई है उसको झाड़ के अपने घर से बाहर निकालें और सब लोग मिलकर के समाज को एक मान करके समाज का कार्य करें, तभी हमारे समाज का कल्याण है, नहीं तो कोई समाज में हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे।